कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के बेबाक नेताओं की गिनती में प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम सबसे आगे रहता है। हर मुद्दे पर वह बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए वह पार्टी की तरफ से तत्पर रहते हैं। हर मुद्दे पर स्पष्ट राय रखना उनकी खूबी है। खुल्लम खुल्ला अंदाज में बात करने के कारण उनकी अलग ही पहचान है। तो चलिए आज हम इनके पारिवारिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। प्रताप सिंह सीकर के खाचरियावास गांव के रहने वाले हैं। यह गांव जयपुर जिले की सीमा पर मौजूद है। ऐसे में इनका सीधा जुड़ाव जयपुर से ही रहा है। अपने गांव का नाम उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। ऐसे में इन्हें प्रताप सिंह शेखावत की बजाय प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम से जाना जाने लगा। इनके पिता लक्ष्मण सिंह शेखावत बिजली विभाग में इंजीनियर थे और माँ हिम्मत कंवर गृहिणी थी। प्रताप सिंह की शादी नीरज कंवर के साथ हुई और इनके दो बेटे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास की स्कूली शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर किशनगढ़ रैनवाल से और टैगोर विद्या भवन जयपुर से हुई तथा बाद में इन्होंने आगे की पढ़ाई जयपुर के महेश्वरी स्कूल से की। उच्च शिक्षा के लिए राजस्थान कॉलेज में दाखिला लिया और जहां से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री हासिल की। इसके बाद एलएलबी भी की। 1992 में प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। पहले ही बार में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करने पर उनकी पहचान बढ़ी। प्रताप सिंह खाचरियावास देश के पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के भतीजे हैं। प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से राजनीति में कदम रखा। वह भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया और वे चुनावी मैदान में कूद पड़े। खाचरियावास ने बनी पार्क विधानसभा से चुनाव लड़ा। वह चुनाव तो नहीं जीत पाए लेकिन 76,000 से ज्यादा वोट हासिल करके वह दूसरे नंबर पर रहे। भारतीय जनता पार्टी से अनदेखी होने के बाद 2004 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2008 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सिविल लाइंस विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ने का मौका मिला और उन्हें जीत मिली। 2013 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा लेकिन 2018 में विधानसभा में फिर से सिविल लाइन से विधायक बने। गहलोत सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिला। पहले उन्हें परिवहन मंत्री बनाया गया और बाद में उन्हें पोर्टफोलियो बदलते हुए खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया। वहीं इसके साथ ही साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा के उम्मीदवार ने खाचरियावास को करारी शिकस्त दी। उनकी प्रतिभा व पिछली जीतों को देखते हुए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान के जयपुर लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी का बदलाव कर प्रताप सिंह खाचरियावास पर अपना दाव लगाया है। तो क्या प्रताप सिंह खाचरियावास पार्टी के विश्वास पर खरे उतरेंगे? चलिए इसका पता तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने पर ही चलेगा। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।